नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के द्वारा एक युवक का पहले तो अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और फिर घायल अवस्था में उसे एमपी बॉर्डर में फेंक कर भाग निकले। घटना की जानकारी सुबह हुई जब स्थानीय लोगों ने युवक को ठंड में पड़े हुए देखा तो मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ कर उसे यूपी पुलिस को सूचना दी। यूपी पुलिस अब अस्पताल में युवक से पूछताछ कर आगे की जाँच कर रही है। दरअसल मामला चाकघाट थाना क्षेत्र के बघेड़ी सिंगवार का है, जहां हाथ पैर बंधे हालत में 22 वर्षीय युवक मिला है, जिसके शरीर में चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं युवक की माने तो उसे प्रयागराज के नैनी से कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद उसे मारपीट कर यहां फेंका गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची शंकरगढ़ नारीबारी पुलिस ने युवक को अपनी कस्टडी में लेते हुए उपचार कराकर उसे पूछताछ कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा किसी रंजिश के चलते अपहरण कर और उसकी मारपीट की गई और साथ में यूपी बॉर्डर में उसे फेंक कर वहां से युवक भाग निकले। पूरे मामले की पूछताछ अब यूपी पुलिस कर रही है। युवक की पहचान रामाशंकर निषाद 22 वर्ष मवैया नैनी के रहने वाले के रूप में हुई है। युवक ने पुलिस को बताया कि उसे मैजिक गाड़ी में बांध कर यहां लाया गया था, उसके साथ मारपीट कर उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया है। पूरी रात ठंड में वह सड़क के किनारे पड़ा रहा। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल युवक का उपचार चाकघाट स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और नैनी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं युवक के गांव के ही आरोपी बताए जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।